हाय एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज है डे टू गणपति बप्पा के आने का। यहाँ बन रही है चाय और ये साबुदाना मैंने भिगो के रखा था। एक्चुअली मैं कल भूल गई थी तो सुबह सुबह ही भिगोया है। देखते हैं फूल जाए, भगवान करे। और बस आज कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं बप्पा के दर्शन के लिए, तो वही तैयारी है। पहले अर्जुन का टिफिन पैक करके उनको दे देते हैं, वो चले जाए स्कूल। उसके बाद फिर कुछ थोड़ा बहुत बनाएंगे स्नैक्स वगैरह। और साबुदाना वड़ा है और ढोकला है और पनीर पकौड़ा है, तो ये बनाने वाले हैं। चलो पहले गणपति पापा का दर्शन करा देते हैं। लाइटिंग वाइटिंग लग गई है ना, तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अभी आरती होनी बाकी है, मैंने सोचा पहले अर्जुन का काम निपटाते हैं फिर करते हैं। तो सबसे पहले ढोकले के लिए पानी यहाँ पे गर्म करने के लिए रख दिया है। और ढोकला मैं वही MTR का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ तो अपने बनाते नहीं है, तो फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो कि पता चले कि फूले उले ही, इसीलिए मैं पैकेट वाला ही लेके आती हूँ। तो ये MTR खमन ढोकला का पैकेट है, पीछे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ऑयल डालना है, पानी डालना है, बस इसको मिक्स कर देना है अच्छे से। और इसके बाद इस बैटर को 15 से 20 मिनट करीब तेज आँच पे स्टीम कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पनीर के पकौड़े बना रही हूँ। वैसे तो पनीर के पकौड़े में लहसुन वगैरह पड़ता है तो अच्छा लगता है, बट अभी लहसुन और प्याज तो डाल नहीं रहे खाने में, तो सिंपल सा ही है। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया है और कॉर्नफ्लोर लिया है, बाकी जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिया। हल्दी मिर्चा, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला, कसूरी मेथी, नमक, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और पनीर पे थोड़ा सा मिर्ची और हल्दी कोट कर दिया है। हल्दी मैंने क्यों डाला मुझे नहीं पता, लेकिन मिर्ची मैंने डाली। तो बस यही बेसन है, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर इसको भी फ्राई कर लेंगे। और मैंने इसको डबल फ्राई किया है क्योंकि मैंने पहले ही इसको फ्राई करके हल्का सा फ्राई करके रख दिया, और उसके बाद जब गेस्ट आए तब मैंने दोबारा से फ्राई किया। दूसरा है, यहाँ पे मैं साबुदाना वड़ा बना रही हूँ, और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर करी हुई है, लेकिन फिर भी चलो शेयर कर देती हूँ। तो मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, साबुदाना भिगो के रखा था वो डाल दिया है, चिली फ्लेक्स डाला है, सॉल्ट डाला है, कुटे हुए ये रोस्टेड पीनट डाले हैं, हरी धनिया डाला है, हरी मिर्ची डाली है, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और इसको भी फ्राई कर लेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है डे 3 और सबसे पहले गणपति बप्पा के दर्शन कर लो सब लोग, कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी आरती नहीं हुई है तो अभी थोड़ी देर में करेंगे। ये जो लाइट, फोकस लाइट लग गई है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। शवन ने बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया है,
अच्छा यहाँ से बंद है। नाउ ये हो गई। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15-20 कम है, ये करीब 10-12 आ गए। सो सबसे पहले स्कूल टाइम नहाना वाना हो गया है और अर्जुन को टिफिन में पनीर के पकौड़े ही देने वाली हूँ एंड इडली फ्राई। सो यहाँ पे पनीर कट करके रखा है, वो भी बना लूँगी। यहाँ बन रही है चाय, तो सबसे पहले अर्जुन का टिफिन रेडी करेंगे एंड चाय वाय भूख लगा देंगे भगवान जी को। आरती हम थोड़ी देर बाद करेंगे क्योंकि फिर अर्जुन अभी स्कूल चले जाएंगे उसके बाद, क्योंकि फिर वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, हड़बड़ाहट में सारा काम होता है, तो थोड़ी देर बाद करेंगे आरती। आज भी मेरी एक और फ्रेंड आने वाली है, सो करीब 11 के आसपास आएगी। उसके बाद शाम को हमारे एक और फ्रेंड हैं, जापानीज़ हैं वो लोग, तो उनको भी बुलाया है शाम को, तो उसके लिए तैयारी करनी है। हेलो भगवान जी, चाय पियो। गुड मॉर्निंग हो गई है, चाय पिया जाए। और बाकी लोगों को मैं कवर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सब नहा धोके तो आए हैं लेकिन आधे अधूरे कपड़ों में दिख रहे हैं। चलो बंदा है जो एकदम से रेडी है, चलो हाथ तो जोड़ लो भगवान जी के आगे। हाँ बुद्धि के देवता है ये, बुद्धि दीजिए भगवान जी। बुद्धि तो दिया हुआ है लेकिन जो है यूज करना बताइए भगवान जी है। डैडी को मैं कवर नहीं कर सकती, डैडी एकदम से ह्यूमन बने हुए हैं। अरे भाई चलो इधर 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 चाट लो पूरा। टिफिन रखा? हाँ। ओके शूज पहनो। खा रहे तो पता नहीं सही में पी जाएंगे। सही में पी जाएंगे? यू शुड बिलीव कि वो पियेंगे। सून लगा के पी जाएंगे। सून लगा के पी जाएंगे। भगवान जी दो थप्पड़ लगाओ इस लड़के को। भगवान जी इनका कोल्ड ड्रिंक पी जाओ। हाँ भगवान के रूप। हाँ तो तुमको ही बैठा है क्या वहाँ सून लगा के? मेरी आरती क्या करो, तुम्हारी आरती, तुम्हारा नाम भी अथर्व है, तो एक गणपति तो हम परमानेंटली लेके आए। क्या देर हो रहा है? बाय। अम्ब्रेला so, अभी मेरी फ्रेंड आई थी दर्शन के लिए और तो बस अभी जो है थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं एंड उसके बाद शाम की तैयारी करते हैं। शाम को मैंने बताया कि मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, जापानीज़ फैमिली है तो वो लोग आएंगे, तो इंडियन खाना ही बनाने वाले हैं, छोले भटूरे और रायता राइस, एक दो कुछ ड्राई चीज़ें बनाऊंगी। सो आज हमने वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन की फूलों की माला डाली है।
सो फ्रेंड्स के जाने के बाद थोड़ा किचन की साफ सफाई की, फिर थोड़ा रेस्ट किया और अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ, फिर चाय बनाई और अब मैं खाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ क्योंकि शाम का काम बहुत ज्यादा है और जो फ्रेंड्स आने वाले हैं, यू नो जो जापानीज होते हैं वो टाइम के बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल होते हैं और अगर आपने उन्हें 7 बजे का टाइम दिया है तो वो मतलब 6:45 ही आपके घर आ जाएंगे। सो इसलिए मैंने सोचा कि टाइम से सारी चीजें खत्म कर लेती हूँ और आज ऐसा सच रेसिपी कुछ शेयर नहीं करनी है क्योंकि छोले भटूरे की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट आज अंदर बस इतना ही है कि आज लहसुन प्याज नहीं पड़ रहा है तो धनिया अदरक और टमाटर का पेस्ट बना के बस वही मसाला, थोड़े गर्म मसाले वगैरह डाल दिए हैं और छोले को तड़का मार दिया है, तो बाकी कुछ ऐसा करना नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि आलू टिक्की बना लूंगी और साथ में एक चीज कुछ और बनाऊंगी। बस यही सारा खाना है तो मैंने सोचा टाइम से खत्म कर लेती हूँ जिससे वो लोग आए तो फिर आराम से बैठ सके और आरती वारती के टाइम में भी मतलब ऐसी कोई हड़बड़ाहट ना हो। Sauce. It's yogurt. And this is tamarind sauce. This is green chutney and some spices. Yes. Thank you. द्वारया नगरी सा तू दैवत मुझा।